अस्सलाम वालेकुम फैमिली फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल हिना और दानिश की दुनिया। गेस व्हाट, आज मैंने क्या बनाया है? आज मैंने पापता फिश बनाया है, मतलब पापता मछली नॉर्थ इंडियन स्टाइल में बनाया है। नॉर्थ इंडियन लोग बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं, और ऐसे ही सेम मेरे घर पे बनता है, मतलब इंदौर में मेरी मम्मी के यहाँ पे। आपने मुंबई का तो फिश बहुत सारा देखा है मम्मी के चैनल पे, कैसे बनाते हैं, नारियल के करी में बनाते हैं, नारियल के दूध में बनाते हैं, टमाटर डाल के बनाते हैं। बट तो नॉर्थ इंडियन होता है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, उसका फ्लेवर ही अलग होता है। तो लेट्स स्टार्ट, मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे किचन में आज क्या बना है लंच में। तो मैं सारा डिश दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले ये फिश करी है नॉर्थ इंडियन स्टाइल में, ये बनाया है हमने। ये देखिए, ये फिश बनाया है, मस्त दिख रहा है ना, माशाल्लाह बोलिए। ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल में बनाया है हमने फिश। और इधर हमारा चावल बन रहा है, क्योंकि फिश के साथ चावल हमको अच्छा लगता है। ये है हमारा रोटी। अभी जिसको रोटी चाहिए वो रोटी खा सकते हैं, जिसको चावल चाहिए वो चावल खाएंगे। और ये बनाया है आलू भुजिया, आलू फ्राई करके मैंने आलू भुजिया बनाया है। और ये है खीरे और दही का सैलेड। ये हमारे किचन में लंच में बना है आज। इसका भी ये बहुत आसान सा रेसिपी, खीरा काट के मैंने दही में डाल दिया, थोड़ा सा नमक। ये गर्मी के दिन में बहुत अच्छा रहता है, पेट को बहुत ठंडक देता है। तो ये सब बना है हमारे आज के लंच में। आज हम ये खाने वाले हैं जो मैंने आपको दिखाया। अब हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी की, हमने ये फिश कैसे रेडी की है, मतलब पापता फिश करी। तो मैं आपको वो दिखाती हूँ, लेट्स स्टार्ट। तो ये है हमारा फिश, इसको हम पापता मछली बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएगा, क्योंकि हर लोग अलग अलग नाम से जानते हैं फिश को। तो 1 किलो फिश लिया है, उसमें हमने ये मसाले लिए हैं, 2 लहसुन मीडियम साइज के, 1 टेबल स्पून मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा, और 1 टीस्पून ये है काली मिर्च है, और ये 3 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। और जो हम खाना बनाएंगे वो कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल में बनाएंगे, ठीक है? तो अभी स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स स्टार्ट। अब अपने सारे मसाले को डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे। ऑनियन वगैरह सब डाल दिया है, सबको ग्राइंड करके लेंगे। फिर इसी से थोड़ा सा मसाला निकाल के फिश को मैरिनेट करके उसको फ्राई करेंगे। हमने मसाला पीस लिया है, अब इसको थोड़ा सा डाल के मैरिनेट करेंगे अच्छे से, 10 मिनट के लिए मैरिनेट कर देंगे। नमक आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देना। ये देखो, हल्का सा मसाला लगा के मैरिनेट कर देंगे, उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। इसके लिए भी, फ्राई करने के लिए भी हम कच्ची घानी का सरसों का तेल यूज करेंगे। इधर पैन चढ़ाया है, पैन में तेल डाल देंगे थोड़ा सा, मतलब 2 टेबल स्पून, 2 या 3 टेबल स्पून तेल डाल देंगे। उसके बाद इसमें इधर मसाला हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से। हमारा तेल गर्म हो गया है, इसमें थोड़ा सा मेथी दाना डाल देंगे, 1/2 टीस्पून। अब ये जब तक काला ना हो जाए, मतलब ये बघार ना लग जाए, उसके बाद इसमें मसाला डाल के फ्राई करेंगे। हमारा तेल गर्म हो गया है, मछली फ्राई करके लेंगे। नॉन स्टिक पैन में हमने लिया है, इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। अच्छे से फ्राई करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये तेल गरम हो गया है, अब इसमें मसाला डाल देंगे। मसाला डाल के अच्छे से इसको चलाएंगे और इसका कच्चापन निकालेंगे। मसाले को अच्छे से भूनना है। ये देखिए, हमारा मसाला जो है भून रहा है अच्छे से, और इधर हमारी फिश जो है अच्छे से फ्राई हो रही है। मसाला जो है हमारा वो अच्छे से भुना गया है, देखिए तेल जो है ये सेपरेट हो गया है। अब इसको आप ऐसा ही ग्रेवी रखना चाहते तो ऐसे ही रख सकते हैं, पर हमें क्या पतला ग्रेवी चाहिए, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रहे हैं, 1 ग्लास। उसके बाद अब इसमें ये इमली का जो पल्प है वो थोड़ा ऐड करेंगे। ये हम इमली का पल्प थोड़ा सा ऐड कर देंगे, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे।
इसको एक बॉईल आने देंगे, उसके बाद इसमें हम फिश को छोड़ देंगे। ये हमारा फिश फ्राई होके रेडी है, इधर हमारे मसाले में बॉईल आ गया है, अब इसमें हम फिश को छोड़ देंगे। तो दिखा रही हूँ मैं आपको फिश को कैसे छोड़ते हैं, एक एक करके सारी फिश को छोड़ देंगे इसमें, धीरे धीरे करके सारी फिश को ग्रेवी में डालेंगे हम। ये सारी फिश चली जाएगी हमारी ग्रेवी में। और इसको 5 मिनट का बॉईल देंगे और फिर बंद कर देंगे, क्योंकि फिश जो है ऑलरेडी हमने फ्राई कर लिया था, तो ये अच्छे से फ्राई हो गई थी। इतना मस्त दिख रहा ना, माशाल्लाह टेस्टी भी बहुत बनता है। आप भी बनाइए, खाइए और हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके कैसा बना। तो फाइनली हमारी फिश जो है वो रेडी है, एक बॉईल आ गया है, अब इसको धनिया पत्ते से गार्निश कर देंगे। ये धनिया पत्ती जो है बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमको धनिया पत्ती बहुत पसंद है, तो हम धनिया पत्ती से गार्निश कर देते हैं। अब इसको बंद कर देंगे, हमारा फिश रेडी है। हमारा फिश जो है वो बन के रेडी हो गया है। थैंक यू सो मच मेरा चैनल देखने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।